हेलो एवरीबॉडी, मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। दोस्तों सबसे पहले मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूं क्योंकि यार पिछली वीडियो में मुझे एक दो कमेंट मिले थे कि सर आपका जो अकाउंट है आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया है और उसको चेंज कर दिया है, तो हमें रिफ्रेश करके क्यों नहीं दिखा रहे। यार भैया मैं पिछली वीडियो में रिफ्रेश करना भूल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकाउंट जो है वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यूज करता हूं। अभी मैंने आपको रिफ्रेश करके दिखा दिया है, लाइव अकाउंट में सेम अमाउंट है, ठीक है। तो भैया आज की जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लास्ट तक देखना जरूरी है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है वीडियो की, वो अभी मैं आपको कुछ ही पल में डिस्क्राइब कर दूंगा। देखो गाइज यहां पे ना एक पैटर्न बन रहा है, एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल क्लोज हो रही है, उसके बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल आप देख सकते हैं, उसके बाद एक छोटी सी वापस रेड कलर की कैंडल क्लोज हो रही है। ये कौन सा पैटर्न है? अगर आपको याद नहीं होगा ना तो ये पैटर्न मैंने आपको बताया है मेरी प्रीवियस वीडियोस में, ऑलरेडी 7 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। ये जो पार्ट ना ये 8वां पार्ट है, 7 पार्ट में मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में डिस्क्राइब किया है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो चार्ट को। आज के पार्ट में मैं आपको टॉप 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताने वाला हूं जो आप नॉर्मली देखेंगे अपने चार्ट में, जब आप यूज करेंगे लाइव ग्राफ में, ऑलिम ट्रेड या फिर किसी भी एप्लीकेशन के साथ, जब आप फॉरेक्स में आते हो, बैनरी में आते हो, कहीं भी आप ये जो पैटर्न्स हैं नहीं भूलने वाले, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि ये मैंने टॉप 5 सेलेक्ट किए हुए हैं और काफी अच्छे हैं और काफी पॉपुलर हैं, इनके बारे में आज डिस्कस करूंगा। तब तक आप दिमाग पे डालिए जोर और ये देखिए ये जो पैटर्न है कौन सा पैटर्न है, कौन से पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे इससे पहले जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जैसे ही ये एक कैंडल बन के ये जो पैटर्न हमें मिलता है उसके बाद ट्रेंड हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। भैया जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं एक यूजर के लिए, एक ट्रेडर के लिए। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, सिर्फ ग्राफ को देख के आप इतना प्रेडिक्ट करना चाहते हो कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बड़े से बड़ा ट्रेडर नहीं कर पाएगा भाई, लेकिन काफी हद तक उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो तो भाई आपकी लाइफ में ना कैंडलस्टिक पार्ट्स जो है यानी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है पिछले 7 पार्ट्स को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और यही रीजन है मैं 8वां पार्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं। नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और एक और चीज भाई, ये जो पार्ट्स है ना, ये जो पैटर्न्स हैं आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए। जब भी आप ग्राफ को देखोगे ना आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि यार ये पैटर्न जो है ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार है, ये हैमर है, ये डोजी है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि ये जैसी पैटर्न्स आपको मिलेंगे ना आपका ग्राफ उछाल ले लेगा भाई। मतलब एक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, स्लाइटली चेंज हो जाएगा भाई। तो ये चीजें अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो सबसे बेस होता है ना भाई, आधार होता है ना, जब हम एक मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं तो नींव तो डालते हैं ना उसकी, तो कैंडलस्टिक पार्ट्स जो है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है आपकी नींव है, ट्रेडिंग की नींव है, इन चीजों को ध्यान रखो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हाँ भाई हमें प्रोफेशनल कोर्स करा दो, भाई हमें ये करा दो, सर हमें वो करा दो, ये करा दो। भाई मैं आप सबको बताऊं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने की कोशिश करो। उसके बाद मैं काफी सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं जो कि इसका बेस नहीं, आप एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी सीखेंगे और बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले बेस बनाना जरूरी है। आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन अच्छी लगती है। कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर फर्स्ट टाइम हो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लेटेस्ट अपडेट सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाना। चले गए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न नंबर 5 की। आज जो है हम 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे जाएंगे, मतलब उल्टा जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वाला सबसे लास्ट में, जो कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे वो पैटर्न्स आज हमारे सामने है। और आज हम बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 का जो हमारा पैटर्न है उसको बोलते हैं 3 लाइन स्ट्राइक, ठीक है। 3 लाइन स्ट्राइक क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताता हूं। देखिए यहां पे आप ये पैटर्न कॉमनली देखेंगे, मतलब अगर आपको 3 कैंडल मिलती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, भैया ये याद रखना यार, यहां पे ना अपवर्ड डायरेक्शन की जगह नहीं है, मतलब जिस तरीके का पैटर्न आपको मिल रहा ना सेम पैटर्न पे जाके आना है। मतलब अगर आप देखो, आप अगर सोचोगे कि सेम अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा तो आप उल्टा कर दोगे, जैसे यहां पे ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप नीचे की तरफ ट्रेंड पे चले जाओगे, बिल्कुल नहीं। ये जो चार्ट है ना भाई ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ही जाना है। 3 लाइन स्ट्राइक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए काम करती है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 3 लाइन आपको 3 कैंडल मिलेगी रेड कलर की, एक बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी छोटी, फिर उससे थोड़ी सी छोटी, और फिर स्लाइटली एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी जो पूरी कैंडल होगी, फुल बॉडी कैंडल होगी। फुल बॉडी कैंडल आप देख पा रहे हैं,
ये कैंडल है फुल बॉडी कैंडल है, यहाँ पे कोई भी छोटे छोटे डंडे नहीं देख पा रहे होंगे आप कोने में, पूरी कैंडल है। तो इस तरीके का जैसे ही आपको पैटर्न मिलता है इसको बोलते हैं 3-line strike, जो आपकी कॉमनली आपको ग्राफ में देखने को मिलेगा। जब भी आप रियल टाइम ग्राफ में जाओगे ना, ये पैटर्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जैसे ही ये पैटर्न आपको दिखता है, मतलब आपका ग्राफ जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे जो ग्राफ जा रहा है, लेकिन ये पैटर्न मिलते ही आपका ग्राफ ऊपर की तरफ हो जाएगा। और ये पैटर्न आपको फॉरेक्स बाइनरी हर एक जगह पर मिलेगा, मतलब अगर आप एक मिनट की टाइम फ्रेम भी रखोगे तो भी ये पैटर्न आपको मिलेगा। ऐसा नहीं आपको एक घंटे की टाइम फ्रेम रखने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। अभी आपको मैं इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाने वाला हूं। याद करो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, एक पैटर्न बन रहा था, वो पैटर्न कौन सा है, वो चीज अभी डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पैटर्न नंबर 4 है वो है 2 black gapping। इसको 2 black gapping क्यों बोलते हैं और कैसे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? देखिए ग्राफ पे आप सिंपली देख पा रहे हैं, अगर आपको दो कैंडल मिलती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये ना अप्लाई सेम होगा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको दो कैंडल्स मिलती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दोनों के बीच में गैप मिलता है, ठीक है, उसके बाद आपको एक और अगर कैंडल मिल जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही, और उसके बीच में गैप ना हो या हो, डजंट मैटर, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका ग्राफ डायरेक्शन पलटने वाला है। मतलब अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। हालांकि अभी आगे आप देख नहीं पा रहे ठीक से, क्योंकि ये थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम का है, अगर ज्यादा टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे 2 black gapping में आपको दो कैंडल के बीच में गैप मिलता है और उसके बाद एक और कैंडल मिलती है, तो करना कुछ नहीं है, आंख बंद करके ना भाई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लो। अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपको सिग्नल मिल गया तो नीचे की तरफ ट्रेड ले लो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर यार सिग्नल्स कैसे मिलेंगे, हम ट्रेड तो ले लेते हैं तुक्के मार के, लेकिन यार तुक्के मार के ट्रेड नहीं लेनी चाहिए होती है, हर एक चीज में ना स्ट्रैटेजी लगती है, सिग्नल्स लेने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है। तो देखो यहां पे अभी हमने डिस्कस कर लिया है 2 black gapping। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न नंबर 3 की, जो कि है 3 black crows। अब क्यों इन्हें कहते हैं भाई, नाम आपको फनी सा जरूर लगेगा, लेकिन यहां पे ना ये मोस्ट कॉमन मेथड है और मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 3 आपको एक ही साइज और एक ही पैटर्न की, यानी कि भेड़ चाल होती है ना भाई, वैसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 candle मिलेगी और उसके बाद आप देखेंगे भैया ट्रेंड जो है वो तो चेंज हो गया। यानी कि अगर आपका ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, 3 black color की कैंडल आपको एक ही डायरेक्शन में मिलती है, डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है, एक चाल में होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डायरेक्टली ट्रेंड चेंज करके ट्रेड ले लेनी है। अगर ऊपर जा रहा था तो नीचे के लिए ले लो, अगर नीचे जा रहा था तो ऊपर के लिए ले लो, यहां पे ना काम दोनों तरह से करता है। गाइस अब बात करते हैं हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न नंबर 2 की, जो कि है इवनिंग स्टार, आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। यहां पे ना देखो क्या है, अब आपको 3-4 candle छोटी छोटी दिखती है रेड कलर की, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल मिलती है ग्रीन कलर की, जो कि जनरली आपको देखने को मिल जाती है जब हाई वोलेटाइल होता है मार्केट और फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद थोड़े से गैप के बाद आपको एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल क्लोज होते हुए दिखती है और उसके बाद एक और कैंडल दिखती है जो रेड कलर की होती है। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका मार्केट ट्रेंड चेंज कर लेता है। अगर आपको याद होगा तो जैसे ही मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, यहां मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था, ये देखिए ये पैटर्न सिमिलर है हमारे इवनिंग स्टार के पैटर्न से। मैंने आपको बोला था अपने दिमाग पे जोर डालिए, रिकॉग्नाइज करिए, और हालांकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा। कैंडलस्टिक पार्ट्स की पूरी सीरीज है जो प्रोफेशनल कोर्स है, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप देख लीजिए जाके और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसा लगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न नंबर 1 की, अबॉन्डेड बेबी। भाई इसका नाम ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक मेल मान लेते हैं, हम एक फीमेल मान लेते हैं। देखो दो कलर की कैंडल आपको दिख रही है, एक रेड कलर की एक ग्रीन कलर की, दोनों कैंडल के बीच में एक छोटा सा बेबी आपको दिख रहा है जो कि काफी बड़े गैप पे है। तो ये पैटर्न आपको कॉमनली देखने को मिलता है हाई वोलेटाइल मार्केट के ऊपर और फ्लक्चुएशंस के साथ, और नॉर्मली भी देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इस पैटर्न के बाद आपका ग्राफ पूरा चेंज हो जाता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका ग्राफ था, जैसे ये पैटर्न आपको मिलता है अपवर्ड डायरेक्शन में आपका ग्राफ हो जाता है, बेधड़क आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी चाहिए। आप अगर रियल टाइम सिनेरियो पे जाओगे ना तो बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। देखिए देखिए यहां पे देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ग्राफ में का मुझे ये पैटर्न मिल गया, देखो ये रहा, मतलब ये
उल्टा पैटर्न है। अगर इसको ना उल्टा मतलब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बेबी दिख रहा है आपको छोटा सा, अगर यही पैटर्न आपको नीचे की तरफ मिलेगा तो इसका मतलब कि आपका ग्राफ जो है ट्रेंड चेंज करने वाला है। तो यहाँ पे ना ये पैटर्न आपको मिलेगा और बहुत सारे कॉमनली पैटर्न आपको मिलते ही रहेंगे जैसे 3 crore वाला है। सो गाइस उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये जो पैटर्न आपको पसंद आए होंगे और आपने लाइक वीडियो को कर दिया होगा और आपका वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो कमेंट के तौर पे आपने शेयर कर दिया होगा। गाइस लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए ना टेलीग्राम पे आपका जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।